नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टिक्स के बारे में बताऊंगा कि जो आपका डॉग है उस पे टिक्स कैसे आते हैं और उन टिक्स का क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या इफ़ेक्ट हैं जो आपके डॉग के ऊपर हो सकते हैं और उसके क्या ट्रीटमेंट है जो आप कर सकते हैं। बेसिक ट्रीटमेंट से लेके एडवांस ट्रीटमेंट तक इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि ये वीडियो आपके काम आ सके। जो डॉग्स हैं उसके ऊपर टिक्स कैसे आते हैं, अगर आपका डॉग है किसी स्ट्रे डॉग जो कि गली का डॉग है उसके कॉन्टैक्ट में आता है, अगर उस डॉग के टिक्स हैं तो वो टिक्स आपके डॉग के ऊपर भी आ सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने डॉग को इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक पे लेके जा रहे हैं, किसी पार्क में लेके जा रहे हैं, तो जो टिक्स होते हैं वो ग्रास पे होते हैं, घास के ऊपर भी टिक्स होते हैं, तो वहाँ से भी आपके डॉग को टिक्स आ सकते हैं। तो अब इन टिक्स का क्या नुकसान है, अगर आपकी डॉग की बॉडी पे टिक्स हैं तो वो अपनी बॉडी को स्क्रैच करेगा, कई बार इतना ज़ोर से स्क्रैच करता है कि उसकी जो स्किन है उधर से ब्लड भी आने लग जाता है। उसके अलावा जो टिक्स होते हैं वो आपके डॉग का खून चूसते हैं, उसका जो ब्लड है वो सक करते हैं, उसके कारण अनीमिया हो जाता है, खून की कमी भी हो जाती है। जो टिक्स होते हैं वो वेक्टर की तरह काम करते हैं, उनसे कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो डॉग को हो सकती है, जैसे लाइम डिजीज़ हुई, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, एनोप्लाज्मोसिस, बेबीसियोसिस, ई कैनिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो डॉग को हो सकती है। तो इन बीमारियों के कारण क्या क्या सिम्टम्स आपके डॉग के अंदर आ सकते हैं, आपके डॉग को फीवर हो सकता है, वो खाना पीना कम कर देगा, जो डॉग की प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है जो ब्लड है वो अच्छे से क्लोट नहीं होता, उसकी नाक के थ्रू ब्लड आने लग जाता है, और जैसे बेबीसियोसिस है उसके अंदर उसकी जो आरबीसी है वो डैमेज हो जाती है, तो जो डॉग है उसके टॉयलेट के अंदर भी ब्लड आता है, जो वो पेशाब करेगा तो उसका कलर है वो डार्क ब्राउन कलर हो सकता है या रेड कलर भी हो सकता है, क्योंकि जो आरबीसी है वो टूटती है, और आपके डॉग के अंदर खून की कमी हो जाती है, आपके डॉग को जॉन्डिस हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारी बीमारियाँ हैं वो टिक्स के थ्रू आपके डॉग को हो सकती है। तो आप ये जो टिक्स हैं उनको नज़रअंदाज ना करें, इनिशियल स्टेज में ही आप उनका ट्रीटमेंट करवा लें। अगर ये सारी बीमारियां एडवांस स्टेज में चली जाती है तो जो डॉग है उसके साथ कैजुअल्टी हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। तो अब टिक्स का क्या ट्रीटमेंट आप लोग दे सकते हैं, तो टिक फ्री शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं, कई सारी ब्रांड्स हैं, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, और जो शैम्पू है वो आप लोग वंस इन ए वीक यूज़ करें। उसके अलावा टैबलेट्स आती हैं, आइवरमेक्टिन की जो टैबलेट है वो सबसे बेसिक टैबलेट है और सबसे चीप भी है, वो सिर्फ 5 रुपये की एक टैबलेट आती है, और वो आइवरमेक्टिन की जो टैबलेट है वो सिर्फ 1 वीक तक काम करती है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट डोज देनी होती है। और कई ऐसी ब्रीड है जिनके अंदर आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी होती है, तो जैसे कि कुली ब्रीड हुई, जर्मन शेफर्ड हैं, तो इनके अंदर जो आइवरमेक्टिन है वो टॉक्सिसिटी करवा देता है, तो इन ब्रीड्स में आप आइवरमेक्टिन अवॉइड करें। तो आइवरमेक्टिन के अलावा कौन सी ड्रग आप दे सकते हैं, तो मार्केट में और भी ड्रग्स अवेलेबल हैं, जैसे मोक्सीडेक्टिन हुई, डोरामेक्टिन हुई, सेलामेक्टिन, तो आप लोग ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं आइवरमेक्टिन की जगह पे। तो उसके अलावा अब एडवांस ट्रीटमेंट क्या है, जो नेक्स्ट गार्ड की टैबलेट आती हैं, सिमपेरिका की टैबलेट आती हैं, वो टैबलेट भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो टैबलेट हैं वो 1 महीने तक काम करती है, जो आइवरमेक्टिन थी वो 1 वीक तक काम करती थी, और ये टैबलेट हैं वो 1 महीने तक काम करती है। इसका क्या प्राइस है, ये जो टैबलेट्स हैं अराउंड 800 रुपीज़ इनका प्राइस है एक टैबलेट का। और जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है टिक्स का वो है ब्रेवेक्टो टैबलेट, ये टैबलेट है आपके डॉग को 3 महीने तक टिक फ्री कर देती है, इसका इफेक्ट है वो 3 महीने तक रहता है, बट इसका जो प्राइस है वो 2000 रुपये है एक टैबलेट का। इसके अलावा जो स्पोटोन आती है, फिप्रोनिल स्पोटोन है, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जो स्पोटोन है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो डॉग होती है उनकी जो बैकबोन है कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको वो स्ट्रिप है, स्पोटोन स्ट्रिप, वो आपको अप्लाई करनी है, तो वहाँ से जो ड्रग है आपके डॉग की बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी और इसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है, ये भी 1 महीने तक आपके डॉग को है जो टिक से बचा देती है। तो ये सारे एडवांस ट्रीटमेंट थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।